हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रोजाना की तरह एमएस वर्ड की एक छोटी सी टिप्स और ट्रिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो आप देखिए, आज की जो ट्रिक है वो अंडरलाइन से संबंधित है। देखते जाइए, अंडरलाइन सभी जानते हैं, लेकिन ये स्पेशल तरह की अंडरलाइन है। छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की चीज है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे इक्वल आर ए एंड एक पैराग्राफ को क्रिएट कर रहा हूँ। ये मैंने पैराग्राफ क्रिएट किया। अब दोस्तों हमको इसको अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन दोस्तों नॉर्मली हम कैसे करते हैं, हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप इस अंडरलाइन पे प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ आपका अंडरलाइन हो जाता है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यू प्रेस करते हैं तो अंडरलाइन हो जाता है पैराग्राफ। लेकिन दोस्तों आप देखिए, जो पैराग्राफ अंडरलाइन हुआ है उसमें अंडरलाइन तो है, लेकिन वर्ड और स्पेस दोनों के बीच में अंडरलाइन है। लेकिन अगर दोस्तों कंडीशन ये दे दी जाए कि आपको अंडरलाइन करना है लेकिन जहां पर स्पेस है, जैसे ये स्पेस है, आप देखिए कवर और पेज के बीच में स्पेस है और स्पेस में भी अंडरलाइन है, तो दोस्तों अंडरलाइन वहां पे नहीं आए जहां पर स्पेस है, सिर्फ वर्ड के नीचे ही अंडरलाइन आए, तो उसके लिए क्या करेंगे। ये छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की चीज है। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं अंडरलाइन को यहाँ से हाइड कर देता हूँ। मैंने अंडरलाइन को हटा दिया बिल्कुल। अब देखिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू को प्रेस करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर स्पेस था वहां पर अंडरलाइन अब नहीं है, जहां पर वर्ड लिखे हुए हैं सिर्फ वहीं पे अंडरलाइन है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज मैंने आपको बताई, छोटी सी चीज लेकिन काम की चीज। रोजाना की तरह मैं ऐसे ही आज आपके सामने ट्रिक लेकर हाजिर हुआ हूँ और डेली एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी टिप्स लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।